नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही यूनिक टॉपिक साइबर सुरक्षा एवं उसके नियम यानी कि साइबर सिक्योरिटी एंड रूल्स पे बात करेंगे। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि है तो बहुत छोटा सा टॉपिक, लेकिन ये बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे नेट के लिए जो लोग भी एग्ज़ाम देंगे, फर्स्ट पेपर के अंदर आईसीटी का पोर्शन है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके अंदर ये पार्ट आता है। लाइब्रेरियन की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे थर्ड ग्रेड, चाहे सेकंड ग्रेड, चाहे एनवीएस की कीजिए, केवीएस की कीजिए, डीएसएसबी की कीजिए, किसी की भी कीजिए, जब आप लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, जब आप लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तथ्यों को पढ़ते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए जो सुरक्षात्मक तथ्य, सुरक्षात्मक जो पहलू होते हैं, उनको भी जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र, यही नहीं, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, बैंकिंग के अंदर, एसएससी के अंदर, बहुत सारे एग्जामिनेशंस के अंदर, जहां पर भी आजकल ऑनलाइन प्रक्रिया या फिर कंप्यूटर के टर्म्स जो है इन्वॉल्व होते हैं या उससे रिलेटेड टर्मोलॉजीज, सूचियाँ इन्वॉल्व होती हैं, हर जगह पे साइबर सुरक्षा और उससे संबंधित नियमों को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। मैं ये नहीं कहती कि इससे प्रश्न हमेशा आए हुए हैं, लेकिन अभी का जो दौर है, जो हम अपनी पूरी दिनचर्या को या जो हम अपनी लाइफस्टाइल की बात अगर हम लोग करें, तो हम आज हर एक चीज़ को ऑनलाइन लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि ऑनलाइन का तात्पर्य ही यही है कि एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम हमारे पास है, जो एक इंटरनेट के द्वारा, एक इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा जो है वो क्या हो रहा है, क्रियान्वित हो रहा है। तो अब ये जो क्रियान्वयन है, यानी कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के बीच में बहुत सारे ऐसे हर्डल्स होते हैं। जैसे एक नॉर्मल लाइफ में अगर हम लोग लें, तो रूटीन की दिनचर्या में जो है कहीं पे कहीं चोरी हो रही है, कहीं डाके पड़ रहे हैं, कहीं पे लूट हो रहा है, कहीं घपला हो रहा है, कहीं घोटाला हो रहा है, तो ये हमारे रूटीन की लाइफ की समस्याएं हैं। जब हम ऑनलाइन पद्धति में आते हैं और जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं, जब हम इंटरनेट की बात करते हैं, तो बहुत सारे टर्म्स ऐसे हमें सुनने में मिलते हैं जिसके लिए कुछ नियम बनाए जाना बहुत आवश्यक है। जैसे केवल और केवल चोरी करना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाना, किसी की आईडी को हैक कर लेना, सोशल साइट्स पे किसी ने अपनी आईडी बना रखी है, उसको हैक करके कुछ अपने पोस्ट डालना, वल्गर पोस्ट डालना, देन उसके बाद जो है बहुत सारे ऐसे सिस्टम वायरस, आपके सिस्टम में वायरस का आना, ये सब क्या है? ये सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं, जो हमारा कंप्यूटर इंटरनेट की जितनी भी सिक्योरिटीज हैं, उनको कहीं ना कहीं ब्लॉक करने का, कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास करता है। तो इससे रिलेटेड कंप्यूटर जो आज सब जगह प्रयोग में लिया जा रहा है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एप्लीकेशंस, जो भी हम लोग आज प्रयोग में ले रहे हैं, इनके लिए खासा कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ उसके लिए सिक्योरिटी सिस्टम्स बनाए गए हैं। तो ये जानना ही हमारे इस टॉपिक के अंतर्गत आता है, जिसको हम बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी तथा उससे संबंधित नियम, अर्थात साइबर सिक्योरिटी एंड रिलेटेड रूल्स। अब जब हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, मैंने पहले सोचा था कि मैं आपको लेक्चर के माध्यम से ये समझाऊंगी, लेकिन फिर बाद में मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, बैक ईयर के क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो पहले आ चुके हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को मैं करा करके आपको समझाने का प्रयास करूंगी, उसी में कहीं ना कहीं आपके इस टॉपिक के कंटेंट भी आ जाएंगे, ठीक है? तो हम लोग जो है वो क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चंस की श्रृंखला में आइए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, साइबर अपराध को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? साइबर अपराध को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? यहाँ पे ऑप्शन है 3, ऑप्शन 2, ऑप्शन 4 और ऑप्शन है 4 से अधिक। तो जो लोग इसको पढ़ चुके होंगे या जिन लोगों ने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया होगा, उनको पता होगा, लेकिन
चूंकि ये बहुत यूनिक सा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, और जहाँ तक मैं समझती हूँ, आप लोगों ने कंप्यूटर जहाँ पे भी पढ़ा होगा, ये टॉपिक बहुत कम टीचर्स होते हैं, जो अनुभवी टीचर्स हैं केवल वही पढ़ाते हैं, बाकी कोई भी इस टॉपिक को पढ़ाता नहीं है। तो कई बच्चे ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि साइबर अपराध यानी कि जो साइबर क्राइम है, उसको हम लोग दो वर्गों में विभाजित करते हैं, ठीक है। साइबर क्राइम को दो भागों में विभाजित किया जाता है। अब मैं आपको ये दो भाग समझा दूंगी तो आपको पता चल जाएगा, आप कंटेंट पे भी पहुंच जाएंगे कि साइबर अपराध के कितने भाग होते हैं। साइबर अपराध के दो भागों को आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला भाग है एक लक्ष्य के रूप में कंप्यूटर, और दूसरा भाग है एक शस्त्र के रूप में कंप्यूटर, ठीक है। काफी टफ लैंग्वेज मैंने यूज कर ली, एक लक्ष्य के रूप में और एक शस्त्र के रूप में। थोड़ा सा इसको हम लोग इजी करने का प्रयास करते हैं। लक्ष्य के रूप में इंग्लिश में देखते हैं, सॉरी, कंप्यूटर एज अ गोल, और शस्त्र के रूप में कंप्यूटर एज अ वेपन। तो ये दो हमारे जो है वो भाग हैं, दो हमारे वर्ग हैं, एक है लक्ष्य के रूप में कंप्यूटर और दूसरा है शस्त्र के रूप में कंप्यूटर। अब ये दोनों रूप क्या हैं, ये हम लोग देखते हैं। ये जो पहला है हमारा लक्ष्य के रूप में, इसमें क्या होगा, लक्ष्य के रूप में कैसे होगा, कंप्यूटर पर आक्रमण करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग। ये क्या हो गया, लक्ष्य रूपेण अपराध हो गया। यानी कि कंप्यूटर है, एक सिस्टम है और एक दूसरा सिस्टम है, हम एक ही सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे क्या करते हैं, आपराधिक कार्य करने का प्रयास करते हैं। जैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर जो है वायरस चला जाता है, ये क्या हुआ, ये एक अपराध जो है वो साइबर, अगर हम लोग सिक्योरिटी के अंदर जाएं तो ये क्या हो गया, एक अपराध हो गया। हैकिंग के साथ साथ मैं यहाँ पे नोट डाउन और कर देती हूँ, इसमें क्या क्या आएंगे, हैकिंग आ जाएगा आपका, देन वायरस, नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का करप्ट हो जाना। ये सब क्या हो गए हमारे, ये जो लक्ष्य आधारित जो हमारा मैंने आपको अभी जो बताया है, ये हमारा जो कंप्यूटर एज अ गोल है, ये उसके हिसाब से जो है ये यहाँ पे आपको
दिखेगा। तो पहला तथ्य हमारे पास क्या आ गया, जो साइबर अपराध का जो वर्ग है, पहला वर्ग है एक लक्ष्य के रूप में कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर एज अ गोल क्या होता है, कंप्यूटर पर आक्रमण करने के लिए कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम पर जो है आक्रमण करना या एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम को करप्ट कर देना, ये क्या कहलाता है, ये हमारा साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। दूसरा है एक शस्त्र के रूप में कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर एज अ वेपन। तो कंप्यूटर एज अ वेपन हम कैसे प्रयोग में लेते हैं, तो वैश्विक अपराध के लिए, वैश्विक अपराध के लिए कंप्यूटर का प्रयोग। अब वैश्विक अपराध क्या है, ग्लोबल लेवल पे, यानी कि बहुत बड़े स्केल पे बहुत सारे लोगों के द्वारा या बहुत सारे लोग उससे प्रभावित हों, ये क्या है, एक वैश्विक जो है वो लेवल है, वैश्विक स्तर होता है, और इस स्तर के जो अपराध होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, शस्त्र के रूप में, यानी कि कंप्यूटर को एक शस्त्र बना दिया जाता है, एक वेपन, एक हथियार के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। आपको किसी को मारने के लिए छुरे चक्कू की जरूरत नहीं है, आप एक कंप्यूटर लेके बैठिए और किसी के आईडी पासवर्ड को हैक कर लीजिए, उसकी बैंक अकाउंट का पैसा अगर आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, आपने उस आदमी को वैसे ही मार दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक अपराध जगत है, और ऐसे वैश्विक अपराध के लिए कंप्यूटर का प्रयोग एक शस्त्र के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए बहुत सारे उदाहरण है आजकल, तो क्रेडिट, डेबिट कार्ड का पासवर्ड, ठीक है। दूसरा आतंकवाद, तीसरा हम आते हैं आजकल वेपन्स की तरह किस तरीके से प्रयोग में लिया जाता है, अश्लील वीडियोस, ये सब क्या है, ये सब जो है एक गतिविधि होती है कंप्यूटर की, जिसको हम लोग साइबर अपराध के अंतर्गत जो है वो देखते हैं। क्रेडिट डेबिट कार्ड का पासवर्ड बहुत कॉमन सी बात है, आजकल आप लोग हमेशा देखते होंगे, आप लोगों के पास मैसेजेस भी आते होंगे, आपके बैंक में अगर आपका नंबर रजिस्टर्ड है तो बैंक हमेशा आपको मैसेज करता रहता है कि आप कभी भी अपना पासवर्ड किसी और को ना बताएं, धोखे से जो है वो कॉल करके सूचना आपके पासवर्ड की ले लेते हैं और उससे आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड से जो है वो पैसे अपने अकाउंट में क्या करते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। आतंकवाद, अगेन आपको पता है देश विदेश आप देख रहे हैं आजकल बहुत तगड़ा जो है वो हो रहा है, ये किससे हो रहा है, ये हमारे कंप्यूटर से जो है, कंप्यूटर को शस्त्र बना करके ही जो है ये अपराध किए जा रहे हैं। अश्लील वीडियोज हैं, ये भी आपराधिक माने जाते हैं, और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कई वीडियोस पे जो है वो एज प्रोटेक्शंस जो है वो दिया जाता है, यानी कि अगर आप वेरीफाई करते हैं कि आप उस एज के हैं या उस एज से ज़्यादा हैं तभी आप उनको देख सकते हैं, अन्यथा वो नहीं देख सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यूट्यूब है, यूट्यूब पे जब भी हम वीडियोस डालते हैं तो आजकल जो है यूट्यूब भी एक नया साइन देता है, उसमें एज प्रोटेक्शन का जो है वो एक सिंबल देता है। एज प्रोटेक्शन के सिंबल से मतलब है कि अगर 18 इयर्स से ऊपर के लोग जो है इस वीडियो को देखें तो एज का क्या हिसाब किताब है, अगर 18 इयर्स से नीचे के इस वीडियो को देखें तो उसका क्या हिसाब किताब होना चाहिए। तो उसमें दो ऑप्शन आते हैं, मेड फॉर किड्स और नॉट मेड फॉर किड्स, तो आपको वो ऑप्शन चूज करना ही होता है, वीडियो को पब्लिक में लाने से पहले आपको वो ऑप्शन चूज करना होता है। अगर आप मेड फॉर किड्स लिख देते हैं तो जैसे ही आप मेड फॉर किड्स लिख देते हैं वहां के बाद कोई रिस्ट्रिक्शंस किसी भी तरीके का नहीं होता है, कमेंट्स वगैरह सब कुछ बैन हो जाते हैं कि अगर बच्चों के लिए बनाया गया है तो उस पर किसी भी तरीके के कमेंट्स डिस्प्ले ना हो, जिससे बच्चे गंदी, गलत या अश्लील हरकतों का जो है वो सामना ना कर सके। और अगर आप नॉट मेड फॉर किड्स पे जाते हैं तभी आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस ओपन किए जाते हैं, जैसे कम्युनिटी सेक्शंस हैं
या आपके वीडियो पे कमेंट आ सकते हैं, लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस तरीके के ऑप्शंस जो है वो आते हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न था, साइबर अपराध को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो हमेशा दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, एक अस्त्र के रूप में और दूसरा जो है वो लक्ष्य के रूप में, यानी कि एक गोल माना जाता है, कंप्यूटर से ही कंप्यूटर पे जब वार किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा लक्ष्य रूपेण यानी कि गोल रूपेण हो गया। और जो हमारा वैश्विक अपराध चल रहा है जब उसके लिए हम कंप्यूटर को प्रयोग में लेते हैं तो वो हमारा शास्त्रिक जो है वो अपराध हो जाता है, यानी कि शस्त्र रूपेण जो है वो अपराध कहलाता है। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, साइबर अपराध की प्रक्रिया में मुख्य तत्व क्या हैं? साइबर अपराध की प्रक्रिया के लिए मुख्य तत्व क्या हैं? मैंने आपको दो वर्ग बता दिए, अब चाहे लक्ष्य रूपेण हो चाहे शस्त्र रूपेण हो, दोनों में ही जो है अगर हमने देखा तो कंप्यूटर हमें चाहिए ही चाहिए, और अगर नेटवर्किंग नहीं है तो हम उस कंप्यूटर का प्रयोग जो है अपने किसी भी टारगेट को या किसी को हैक करने के लिए या अपराध करने के लिए प्रयोग में नहीं ले सकते हैं। तो हमें ये भी चाहिए और हमें ये भी चाहिए, तो इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर हमारा क्या होगा, थर्ड होगा, ए और बी दोनों क्या हैं, करेक्ट हैं। ठीक है, ए और बी हमारा क्या है, करेक्ट है, ये है इसका सही जवाब, ये क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षा में। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्ट S773 को कब स्वीकृत किया गया? कब स्वीकृत किया गया इसके बारे में मुझे नहीं पता, आपको पता है या नहीं पता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 24 मार्च 2010। 24 मार्च 2010 को साइबर सिक्योरिटी एक्ट S773 को क्या किया गया, स्वीकृत किया गया। मैं आपको डिटेल बताती हूँ कि क्यों, कैसे या क्या प्रोसेस थे इसके स्वीकृति के, चलिए इसको हम देखते हैं। 1 अप्रैल 2009 को एक सीनेटर थे जे रॉक फेलर, जे रॉक फेलर ने सीनेट में 2009 का साइबर सिक्योरिटी एक्ट S773 के संपूर्ण पाठ को सीनेट में रखा या जमा किया। तो सबसे पहला तथ्य यह है, 1 अप्रैल 2009 को सेनेटर जे रॉक फेलर ने सीनेट के अंदर 2009 का सिक्योरिटी एक्ट S773 जो है इसके संपूर्ण पार्ट को जो है वो क्या किया, सीनेट में जमा किया। अब ये जो पार्ट है या ये जो सिक्योरिटी एक्ट है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं अभी, 2009 का साइबर सिक्योरिटी एक्ट ये बनाया गया, इसको सीनेट के सामने जो है वो सेनेटर जे रॉक फेलर ने रखा, लेकिन इसको बनाने वाले कौन थे, तो इसको बनाने वाले चार सदस्य थे। कौन कौन से वो चार सदस्य थे, एवान बे,
बारबरा, मिकुल्सकी। नंबर थ्री, बिल नेल्सन। नंबर चार, ओलंपिया स्नोवे। इन चारों ने क्या किया था, ये जो सीनेट के सामने जो तथ्य रखे गए थे, जो पार्ट रखा गया था सिक्योरिटी बिल का, ये इन्होंने बनाया था। अब जब ये पार्ट जो है, ये इन चारों के द्वारा बनाया हुआ पार्ट यहाँ पे दे दिया गया, तो देने के बाद संपूर्ण पार्ट को जब जमा कर दिया गया, तो जमा करने के बाद इस पार्ट को जो है वो तीन जो विभाग थे वहां पे दिया गया। वो तीन विभाग कौन से हैं? तीन विभाग, सॉरी, तीन विभागों में स्वीकृति के लिए भेजा गया। तीन विभाग कौन कौन से थे? पहला वाणिज्य, विज्ञान और परिवहन। यहाँ पे विभाग की जगह जो है समिति भी लिख सकते हैं। वाणिज्य विभाग या समिति, विज्ञान विभाग या समिति, या परिवहन विभाग या समिति। ये भेजा गया, और जब इन तीनों ने जो है वो भेज दिया, तो इन तीनों की सिफारिशों पर समन्वित रूप से संशोधन किया गया, और संशोधन का परिणाम यह रहा, और आगे 24 मार्च 2010 को साइबर सिक्योरिटी एक्ट 2010 को स्वीकृत किया गया। ठीक है, तो ये आपका जो है इस प्रश्न का आंसर है। एक बार फिर से रिव्यू करते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्ट S773 को कब स्वीकृत किया गया? मैंने कहा 24 मार्च। क्यों 24 मार्च? इसकी थोड़ी सी भूमिका में जाते हैं। 1 अप्रैल 2009 को एक सेनेटर थे रॉकफेलर, उन्होंने सेनेट के अंदर 2009 का साइबर सिक्योरिटी एक्ट S773 का जो है वो पूरा संपूर्ण जो पार्ट था वो पेश किया था, वहां पे जमा किया था। ये जो पार्ट है ये चार लोगों ने मिलकर के बनाया था, एवान वे, बारबरा मिकुलसी, बिल नेंसल और ओलंपिया स्नोवे। इन लोगों ने जो है ये जो जमा किया था पार्ट, उसको जो है वो तीन विभागों में रिव्यू के लिए भेजा गया था। वो विभाग थे वाणिज्य, परिवहन और विज्ञान। समन्वित रूप से जो है इन तीनों विभागों ने जो है उसको देखा, उस पे आकलन किया, और उसके पश्चात जो है संशोधन करके 24 मार्च 2010 को साइबर सिक्योरिटी एक्ट 2010 को क्या किया? स्वीकृत किया। तो ये इसका, इस प्रश्न का उत्तर हो गया। नेक्स्ट आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। साइबर स्पेस की रक्षा हेतु नेशनल एसेट एक्ट कब पेश किया गया?
साइबर स्पेस की रक्षा हेतु नेशनल एसेट एक्ट कब पेश किया गया? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 19 जून 2010। अब इसकी भी कहानी को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। साइबर स्पेस की रक्षा हेतु नेशनल एसेट एक्ट, अमेरिका के अंदर एक एक्ट या यू कह लीजिए विधेयक था, किल विच बिल, किल विच बिल। इसको विवादास्पद इसलिए बोला गया कि इसमें कहा गया कि अमेरिका के अंदर कभी भी कोई इमरजेंसी आती है या किसी जरूरी आवश्यकता पड़ने पर जो है राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त होगा कि वो इंटरनेट के जरिए जो है वो सारी की सारी सूचनाओं को क्या करे, संग्रहित कर सके या उसको देख सके। अब आगे की बात पे चलते हैं। हम तो अपने साइबर स्पेस की नेशनल एसेट एक्ट के बारे में बात करते हैं। इसको दो लोगों के द्वारा जो है वो लिखा गया था, पहले थे सीनेटर सूजस कोलिंस और दूसरे थे सीनेटर थॉमस कार्पर। इन दोनों के द्वारा जो है यह लिखा गया था। अब जो ये लिखा गया था किसके द्वारा जो है वो पेश किया गया, इन दोनों के द्वारा लिखा गया जो पार्ट था वो पेश किया गया सीनेटर जे लीबरमैन के द्वारा और जून 2010 को अमेरिका का प्रोटेस्टिंग साइबर स्पेस एज एंड नेशनल एसेट नेशनल एसेट एक्ट S3480 पारित किया गया। ये आपके जो है वो कुछ क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस की जानकारी या जिन क्वेश्चंस के आंसर्स को जो है हमने क्या किया, ढूंढने का प्रयास किया। इस क्वेश्चन को भी एक बार रिव्यू कर लेते हैं। साइबर स्पेस की रक्षा हेतु नेशनल एसेट एक्ट कब पेश किया गया था, कब पेश किया गया? किल विच बिल जो है वो अमेरिका के अंदर एक पहले से ही जो है एक विधेयक चल रहा था, जिसके बाद जो है ये जो एक्ट है ये लिखा गया सीनेटर जो है सूजस कोलिंस के और सीनेटर थॉमस कॉर्पर के द्वारा, जिसे जे लीबरमैन ने जो है वो पेश किया था 19 जून 2010 को अमेरिका का प्रोटेस्टिंग साइबर स्पेस एज जो है वो
ए नेशनल एसेट एक्ट S3480 के रूप में जो है वो सामने आया। तो ये जो है कुछ प्रश्न थे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है उपयोगी हो सकता है। मैंने कोशिश किया कि आप तक जो है ये सूचना पहुंचा सकूं। अब ये आपके कितना काम आती है जब आप एग्जाम कभी देंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट आपको कितने समझ में आए, कैसा था ये वीडियो जरूर मुझे बताइएगा कमेंट के माध्यम से। जितना हो सके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी वीडियोस हैं उनको शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो इन्फॉर्मेटिव ही होता है, कोई भी फालतू का वीडियो अपने चैनल पे नहीं है। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को और इनको पढ़ते रहिए, रिव्यू करते रहिए। आगे फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। बाय।